मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें खोवा मांगी मैं तुम्हें बस थोड़ा सा टाइम दो और एक बार जोरदार ताली बजाएं थोड़ी सारे आवाज से। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमें भारती एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, बेसिकली हम आए हुए हैं हस्बैंड की जो न्यू मूवी आई ना कुलचे छोले पंजाबी मूवी, उसका यहाँ पे म्यूजिक लॉन्च इवेंट था, तो हम यहाँ आए हुए हैं बाहर। तो यह स्टेज पे मैं खड़ी हूँ क्योंकि कुछ छोटी सी ना गेम्स भी वहाँ पे प्ले करवाए थे जस्ट टू एंटरटेन एवरीवन। सो थोड़ी सी गेम खेली मैंने छोटी सी एंड बस आप थोड़ा सा एंजॉय करिए इसका आने वाला म्यूजिक। सो बस उसके बाद कुछ दी हस्बैंड ने अपनी प्रेस को इंटरव्यूज, फिर यहाँ पे डिनर था हमारा, बाहर ही था यहीं पे, तो डिनर हमने एंजॉय करा और फिर बस घूम फिर के आ गए हम घर को वापस। तो यहाँ पे ना गाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट से बनने वाली टेस्टी, एकदम टेस्टी पनीर की सब्जी। सो देखिए कुकर ले लिया मैंने, ऑयल डाल रही हूँ, कोई सा भी ऑयल डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया, बिल्कुल हल्की छोटी सी कड़छी ली है, ठीक है, आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है सिर्फ एक बड़ा टमाटर, क्योंकि दो लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ, तो एक बड़ा टमाटर। बीच में मैंने दो हरी जो मिर्ची होती है ना वो ली थी, आप उसको रख सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। अदरक लिया था बिल्कुल छोटा सा। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, प्यूरी बना ली है। और देखो मसालों के नाम पे यहाँ जाने वाला है सिर्फ और सिर्फ जीरा, कोई और एक्स्ट्रा खड़े मसाले वगैरह नहीं डालने। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है पर इतनी टेस्टी और इतनी झटपट बनती है ना कि आपको मजा ही आ जाएगा, जरूर ट्राई करना। तो देखो कलर के लिए मैंने हल्की सी ना कश्मीरी लाल मिर्ची और हल्की सी मैंने हल्दी ली है। अब इसके साथ ही ना, इसके साथ ही ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, साथ में हम जो टोमेटो प्यूरी हमने बनाई है ना वो इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर टाइम लगाएंगे ना तो ये हमारी जो मिर्ची और जो हल्दी ना वो मतलब जल जाएगी ऑयल में और अजीब सा कलर दे देगी, इसलिए फटाफट से साथ में मैंने अपना प्यूरी पेस्ट डाल दिया। और देखो कितना बढ़िया कलर आया साथ ही के साथ, क्योंकि ऑयल में जो ये जो लाल मिर्ची ना इसका कलर बहुत अच्छे से फैलता है, तो बड़ा अच्छा कलर आ गया मेरी सब्जी को, यहाँ पे सब्जी को नहीं मसाले को। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ नमक जो कि रह गया था, और उसके साथ मैंने हल्की सी चुटकी सी ये मैंने गरम मसाला डाला है, और ये छोटा सा चम्मच डाला है मैंने जीरा पाउडर का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जाने वाला मसालों के नाम पे। पर सब्जी बनके इतनी बढ़िया बनेगी ना कि आप तो मेरे को थैंक यू करोगे आके, अगर नहीं बनाई होगी आपने अभी तक। तो मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया कि मसाला थोड़ा सा ना ऑयल छोड़ दे। मीनवाइल ये मैंने वेरका का यहाँ पे लिया पनीर, रेडीमेड ही पनीर यार मैं ज्यादा यूज करती हूँ, तो ना मैं इसको क्यूब्स काट रही हूँ, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा मोटे, तो इतने काट रही हूँ कि अच्छे से मतलब ग्रेवी जितनी रखू उसमें डिप हो जाए और टेस्टी लगे खाने में, मतलब इतना साइज रखती हूँ आप देख लो अंदाजे से। बाकी का पनीर मैंने पानी में डाल के फ्रिज में रख दिया है, वो उसकी बनाएंगे हम बाद में भुर्जी। तो ये देखो यहाँ पे ना साथ के साथ अब मैंने कुकर खोल दिया है, सिर्फ उसको ढका था बंद नहीं करा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मेरा इकट्ठा हो गया, मतलब थोड़ा पक गया पर अभी डन नहीं हुआ है, थोड़ा सा और पकाएंगे। तो ये उसी ग्राइंडर वाले जार में मैंने थोड़ा मसाला लगा हुआ था जो टोमेटो की प्यूरी थी उसमें पानी ऐड करके उसमें डाल दिया, तो हल्का सा पानी और डाल कर फिर से हम इसको ढक देंगे ताकि अच्छा सा मसाला पक जाए और ऑयल थोड़ा सा निकल आए। और इस प्रोसेस को ना सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 से 7 हार्डली, मतलब पूरी सब्जी बनने को बहुत ही बढ़िया बनती है और फटाफट बन जाती है। अब यहाँ पे ना मसाला अच्छे से मेरा हो गया है रेडी, बहुत मेरे को पता है बहुत बेकार सा दिखा रही हूँ ऐसे उठा उठा के, आपको नहीं दिख रहा अच्छे से यार, ये टेम्पररी जो शिफ्टिंग करी ना हमने इस घर में, मेरा कोई सेटअप नहीं बना अच्छे से। एनीवेज आप बनाना आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बस पनीर ऐड कर दूंगी, पनीर को मिक्स कर देंगे सारे मसाले के साथ कि सारे पीस के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। और ये ना ऑप्शनल है, यहाँ पे ये मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है क्योंकि धनिया नहीं था घर में, तो गार्निशिंग के लिए कुछ नहीं था, नहीं डालोगे ना तो भी बहुत बढ़िया बनेगी। तो अब यहाँ पे देखो मैंने कोटिंग करके थोड़ा सा ढक दिया था, मतलब कसूरी मेथी डालने के बाद फिर से ढक्कन रख के कुकर को ढक दिया था। अब यहाँ पे मैं फिर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है ना उतनी, और ग्रेवी बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखो इतनी, जिसमें मेरा पनीर के जो पीसेस हैं वो थोड़े डिप हो गए हैं, अच्छे से डूब गए हैं, इतनी सी मैंने रखी है। अब कुकर को हम लगाएंगे 2 सीटियां एंड डन, आपकी सब्जी बनकर रेडी है। और आप शक्ल देखो, शक्ल पे मर जाओगे, स्वाद देख के तो आप पूरा ही
मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि ये इतनी बढ़िया बनती है ना। मतलब घर पे कोई गेस्ट आए ना और आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या बनाओ, एकदम से ये बना लो, इसको जरूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनती है। ग्रेवी देखो कि जैसे पता नहीं मैंने कितने मसाले डाले, काजू वाजू डाले, कुछ भी नहीं डाला आपके सामने था, पर बहुत बढ़िया बनी। तो ये है गाइज नेक्स्ट डे, और आप मौसम देखो कितना ग्लूमी हुआ हुआ है एकदम से। दो तीन दिन से ऐसा था कि सर्दियां तो बस आ ही गई, मेरा सर ना बहुत हेडेक हो रही थी, तो मैंने सोचा आज हस्बैंड घर पे उनकी हेल्प लेती हूँ और गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ, और पर वो जनाब तो अपने मैच में ही गुम है। तो मैंने बेड खाली किया हुआ है कि यार उनको मैंने बोला था कि चलो आप पकड़ना और मैं ना बस साथ के साथ निकालते जाऊँगी, क्योंकि ये सिंगल मैट्रेस है ना इस बेड का, तो मेरे को थोड़ा टफ लगता है निकालना। बट ये देखो मैंने बोला ये देखो पकड़ के रखो ढक्कन इसका, तो मैं थोड़ा निकाल के आपको पकड़ाती हूँ। ये जनाब देखो ढक्कन छोड़ दिया मैट्रेस के ऊपर और खड़े हो गए अपना मैच दे। देखो ये पता नहीं मैच में क्या मजे आते हैं इन लोगों को। तो बस ये यहाँ पे ना मैंने क्या करा था लास्ट टाइम पे, जो भी सर्दियों के कपड़े थे धो के अच्छे से सुखा के धूप लगवा के इस तरह इन कार्टन्स में ना, कार्टन्स नहीं बोलूंगी, स्टोरेज बॉक्सेस एक्चुअली कपड़े के मीशो से ऑर्डर करे थे मैंने, इसमें पैक करके रख दिए थे। तो शिफ्टिंग के टाइम पे भी शिफ्ट करना बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए। तो देखो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ ऐसा कॉटन का ही कपड़ा होता है मिक्सा, पर मोटा होता है थोड़ा, पर एकदम वाटर प्रूफ नहीं है, अगर ज़्यादा पानी वानी जाए तो इसमें जा सकता है पानी, इतना इतने सॉलिड नहीं होते, बट अच्छे हैं ऐसे स्टोर करने को, क्योंकि बेड के अंदर ही स्टोर करने थे मुझे। और ट्रांसपेरेंट शीट लगी इसमें, आप इजिली देख सकते हो कि इसमें क्या चीज पैक करी है। जिप भी इसकी अच्छी क्वालिटी की थी, ज्यादा सस्ते भी नहीं थे, ज्यादा महंगे भी थे, ठीक ठीक मुझे अच्छे से मिल गए थे। तो देखो इसमें काफी अच्छे से मैंने फोल्ड करके सारे कपड़े ना रखे हुए थे, मुझे पता चल गया कि हाँ कौन कौन से कपड़े किस कार्टन में है। तो मैंने ये दोनों बैग्स खोल लिए हैं और एक एक करके ना मैंने सारे सॉर्ट करने शुरू कर दिए अब यहाँ पे। तो अब ये जो आप कमरा देख रहे हो बहुत ही मैसी लग रहा है, पर ये मैसी नहीं है, और मैं कार्टन्स में कपड़े रख रही हूँ, इसकी वजह ये है कि क्योंकि जब भी हमने यहाँ पे शिफ्ट करा था हमें पता था कि हम टेम्परेरी बेसिस पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि और कुछ महीनों में हम अपने घर में नए घर में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने जो कार्टन्स में कपड़े लेके आई थी ना, तो मैंने उन्हीं कार्टन्स में जैसे सर्दियों के अलग गर्मियों के अलग इस तरह से सॉर्ट करे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक ही अलमारी थी इस घर में और एक मेरा बेड की स्टोरेज थी, और कोई जगह नहीं थी मेरे पास कपड़े स्टोर करने के लिए। तो ना इन्हीं कार्टन्स में मैंने पैक कर दिए थे, और अब मैं फिर से सर्दियों की निकाल रही हूँ और गर्मियों के फिर से वापस इन्हें मैं पैक कर रही हूँ, ताकि जब अब नए घर में शिफ्ट करेंगे कुछ ही महीनों बाद, तो मैं सेम कार्टन एज इट इज उठा के इजिली ले जाऊंगी वहां पे, और वहां पे जाके एक ही बार सारा अपना जो तामझाम है ना उसे समेटूंगी। तो सेम मैं अब हस्बैंड के भी जो शर्ट्स उनको चाहिए जो नहीं चाहिए सारे कपड़े मैंने अपने यहाँ रख दिए हैं, सूट वगैरह भी सारे गर्मियों के जो मेरे को नहीं चाहिए थे बाहर, तो हस्बैंड के भी मैं इस तरह से शर्ट्स वगैरह निकाल रही हूँ, और इनको भी ना मैं पैक कर दूंगी। ये जो मैंने अपने कार्टन्स जो लिए थे ना, ये स्टोरेज बॉक्स लिए थे मीशो वाले, इनमें मैं पैक करके रख दूंगी वापस। और यहाँ पे ना कुछ जैकेट्स मैंने निकाली थी, अब कुछ जैकेट्स तो थी जो फोल्ड करके मैं वापस कार्टन में मैंने रख दी, क्योंकि बाहर जगह ही नहीं थी कहीं पे रखने की उनको इतना, बट कुछ मेरे बहुत अच्छे वाले जैकेट्स थी जिनको फोल्ड करके रखना नहीं, मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शोल्डर्स वगैरह ना बैठ जाते हैं, जैसे कि मेरी ये पहली जैकेट। अब इतनी कॉस्टली जैकेट्स ली हैं, ये मेरी बहुत पुरानी जैकेट्स हैं, मैं जितने आपको कपड़े दिखाऊंगी ना स्पेशली अपने बहुत पुराने पुराने हैं, मतलब हो गए आराम से इनको 5-6 साल हो गए हुए हैं, तो ये 6 से भी ऊपर ही हो गए होंगे, पर इतनी महंगी और इतनी अच्छी कंडीशन में अभी भी मैंने रखे हुए हैं कि मैं इनको अभी भी यूज़ करती हूँ। तो इनको मैंने हैंग कर दिया था जितनी जगह थी अलमारी में, बाकी मैंने फिर से कार्टन में पैक कर दिए। तो ये देखो अभी खाली हो गया, इसमें मैं क्या करूँगी हस्बैंड के और अपने कुछ जो जैसे खाली होते रहेंगे ना गर्मियों के कपड़े मैं इनमें पैक करके रख दूंगी, और ये जाएंगे सीधा फिर मेरे बेड में वापस। हे गाइस, तो यार बड़ी लेट आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब जब वो लॉन्च पार्टी पे गए थे उसके मैं कुछ 3 से 4 दिन बाद आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि तो हस्बैंड एक तो घर पे नहीं थे, ठीक है, तो मेरे को फिर अकेले साइड पे जाना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, तो मैं उसी में मेरी बस हो जाती है कि कुछ इंटरेस्टिंग लगता भी नहीं है मुझे कि मैं शूट करूँ आपके साथ शेयर करूँ ना, तो इस वजह से। तो अभी ना टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 6:30 हुए हैं, ठीक है, दिखाना क्या बता रही हूँ, 6:30 हुए हैं, और बाहर का जो मौसम है ना इतना डार्क हो गया ना, देखो देर इज नो लाइट, ये कैमरा में आपको लग रहा है कि वाइट वाइट, ये एक्चुअल में डार्क हो गया है, इतना 6:30 बजे हुए, मतलब
5 बजे से ही होना शुरू हो जाता है, तो अभी तो 6:30 तो ज़्यादा मतलब मैं आपको लेट बता रही हूँ, अदरवाइज़ 5 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो सर्दियाँ तो डेफिनेटली हो गई है। मैंने कपड़े भी ना आज इसीलिए निकाले और मैंने सारे शॉर्ट भी करके रख दिए हैं, हालांकि उनको धूप ने मेरे को लगवानी थी धूप की, एक बार धूप लगी होगी थोड़ी स्मेली जो होता है वो सब उससे निकल जाएगा, बट धूप निकल ही नहीं रही है 2-3 दिन से, ऐसे मौसम हुआ हुआ ग्लूमी ग्लूमी सा, तो फिर मैं अब ऐसे मैंने ना अलमारी में रख दिए कि अगर धूप जैसे निकलेगी ऐसे ही साथ में मैं मतलब निकालूंगी और ऐसे शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब पता चल गया मुझे कि किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ है, तो मैंने सारे शॉर्ट कर दिए हैं। गर्मियों वाले भी कुछ पैक कर दिए, वो जब अब बस कल परसों बेडशीट चेंज होगी तो बेड खोल के उसमें मैं पैक करके रख दूंगी, मैं जो स्टोरेज वाले बॉक्सेज है ना वो कार्टन हैं जो कपड़े वाले उसमें, सो बस ये चीज़ है। और थोड़ी सी हल्की सी भूख लग रही है मुझे, इस टाइम मेरे को इतनी भूख लगने लग जाती है ना आजकल, कुछ ज़्यादा ही लगती है। सो मैं बना रही हूँ अपने लिए मैक्रोनी, बट ये है सूजी वाली मैक्रोनी, सो कुछ ऐसा नहीं है। तो आप लोग ज़रा यहाँ बैठो, कहाँ बैठाऊँ आपको, थोड़ी सी स्पाइसी रख के बना रही हूँ, ये मज़ा आ गया है, पर मैं स्पाइसी खाती नहीं हूँ इतना, ऐसी आज मन कर रहा है। इस टाइम ना मेरे पास ऑरेगानो वगैरह कुछ नहीं, वरना मैं वो भी ऐड करती थोड़ा सा कि थोड़ा इटालियन स्टाइल हो जाए, पर है नहीं कुछ तो देसी स्टाइल ही सही। दो मिनट के लिए और फिर डालेंगे इसको सीधा पेटू में। सो यस, हियर इज माय मैक्रोनी, थोड़ी सी ली मैंने बनाई, हालांकि और भी है, अगर हस्बैंड थोड़े से खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज वो कमी खाते नहीं, तो मैं कल खा लूँगी, क्योंकि सूजी वाली मैक्रोनी तो उसको स्टोर कर लूँगी मैं फ्रिज में। एंड बस थोड़ा सा देखने वाले अपना बिग बॉस, क्योंकि इस बार हस्बैंड आ जाएंगे, बस उनका नेटफ्लिक्स चालू रहेगा फिर जब तक हम सोएंगे नहीं नेटफ्लिक्स तो इसलिए मैं बस यहाँ पे करती हूँ साइन आउट, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, टिल देन अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो यार, लाइक ही नहीं करते हो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी टू।